आंगन में आ गई और देखिए कितना सारा बर्ड्स है, ये सब कितने अच्छे से आवाज़ दे रही है। मुझे बर्ड्स का चहचहाना बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं इसे रिकॉर्ड कर ली। 5 minutes later. मैं और बाबू आ गई हूँ टहलने, क्योंकि घास पे टहलने का मज़ा ही कुछ और है, तो थोड़ा सा टहल लेती हूँ। दर्श बाबू तो आनंद ले रहे हैं नाना जी के कंधा पे, मजा आ रहा है दर्श बाबू, खूब मजा ले रहे हैं वो नाना जी का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत खास, बहुत ही खास, तो अंत तक बने रहिएगा। मिलाती हूँ मैं अपनी मम्मी से। मम्मी बोलिए हाय। हाय। कहीं जा रहे हैं। पापा बोलिए हाँ। सबको आशीर्वाद। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे पापा। बाबू तो पत्ता तोड़ने में मगर ना, स्टार्टिंग में ये तो घास पे कदम ही नहीं रख रहा था, अब जब से रखा है तो जब भी घास पे जाएगा तो घास को उखाड़ने लगेगा। उखड़ता तो है नहीं, तब भी उखाड़ते रहेगा। कोई आ गई फूल तोड़ने के लिए, तो इसलिए मम्मी बोली जल्दी से फूल तोड़ लो, नहीं तो सारा फूल तोड़ के ले जाएगी, तो अपने लिए कुछ फूल बचेगा ही नहीं। तो मैं आ गई फट से फूल तोड़ने के लिए। यदि सवेरे फूल ना तोड़ूं तो अपने लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर फूल की पत्ती से पूजा करना पड़ेगा, तो सवेरे तोड़ने में ही भलाई है। तोड़ ये तुलसी का पत्ता, क्या करेगी मम्मी? मम्मी चाय बना के पूजा, चाय में डालेगी तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता। मम्मी पी रही है चाय, देखिए कौन सा चाय पीती है मम्मी मॉर्निंग में। लाल चाय पीती है मम्मी मॉर्निंग में, क्योंकि बोलती है उससे गैस नहीं होता। देखिए मम्मी इसको ठूस के जबरदस्ती खिला रही है। गाड़ी लेके पापा जा रहे हैं कि ये फट से उतर गया जाने के लिए। अब पापा इसको जा रहे हैं घुमाने के लिए, नहीं तो ये यदि नहीं घुमाएंगे तो ये बहुत रोएगा, इसलिए पापा इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, फिर मैं ले लूंगी, फिर पापा चले जाएंगे अपने काम करने के लिए। ये जो दिख रहा है बहुत सारा पेड़, ये भैया ही सारा खरीद के रखे हैं, सागवान का पेड़ है लगवाने के लिए। भैया हर साल लगाते ही रहते हैं 200-300 पेड़, तो इस बार भी रखे। देखिए कितना हरा भरा है मेरा दरवाज़ा, और आगे में NH है। ये आ गया, इधर से गया उधर से आया। आ जाइए बिट्टू, आ जाइए, आजिए आजिए, अब आइए। नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब एक्सीलेटर पापा फूल करेंगे तो डर से आ जाएगा। आजा आजा आजा। बाप रे, अलीबा अलीबा। अब पापा जा रहे हैं। मम्मी आ गई है केचू का पत्ता तोड़ने के लिए, जिसका आज मम्मी रेसिपी बनाने वाली है। क्या करेगी पत्ता का मम्मी? देखो ना क्या करते हैं। और यहाँ से नींबू भी मम्मी को तोड़ना है, देख एक पका हुआ है इसी को तोड़ेगी। नींबू खाएगा? ऐसे खाता है नींबू? इसको काट के खाना पड़ता है। अब इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लेगी। और इसको क्या करेगी मम्मी? अब उसके बारे में बनेगा। धूप आज आया नहीं है, तो इसको बनाने से पहले सॉफ्ट होने के लिए धूप में दिया जाता है, तो फिर भी मम्मी इसको पसार दिए ताकि थोड़ा सा भी लगे सनरेज, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बाबू खाएगा, एक टका खा लेगा।
देखिए केचू का पत्ता अभी सॉफ्ट होने के लिए मम्मी छोड़ी है धूप में, और उसके लिए सारा कुछ बना रही है हंसिया से। ये प्याज कट कर ली है और लहसुन को छील रही है। और क्या सब देगी? टमाटर भी देगी, मसाला डालेंगे, उसके बाद अचार, थोड़ा खट्टा के लिए अचार। नींबू नहीं देगी? नहीं नींबू नहीं देंगे, अचार से अच्छा लगता है खाने में। आज मम्मी के हाथ का खाएंगे केचू के चक्का का सब्जी। क्या मिठी खाएगी तुम भी? दादी के हाथ का चक्का खाई हो? हाँ। कैसा बनाती है? बहुत अच्छा बनाती है, टेस्टी टेस्टी। हाँ। आज हम भी खाएंगे बहुत दिनों बाद। हम तो, हमको लगता है बहुत दिन पहले खाए थे। मम्मी कब बनाई थी इससे पहले? हमारी जाती थी, शादी से पहले ही खाए थे क्या? 2 साल हो गया, 2.5 साल। बपरे, तुम कब खाई थी मिठी? 15 दिन पहले। देखिए मम्मी पीस रही है सरसों सिल्ला पे। मम्मी ले आई है पत्ता के चुका। अब उसको क्या चीज है मम्मी? ये बेसन। और ये कलाई का बेसन है, उसको इसमें लपेट लपेट के फिर बना रही है। देखिए आप, शेप में कर लेना है। हंसुआ लेगी को गोल गोल चक्का लो। उसमें दोनों साइड से जो बेसन है उसको डाल देना है। अब इसमें थोड़ा सा ही तेल डाल के मम्मी इसको लाल करके फ्राई कर रही है। थोड़ा ही तेल यूज करती है क्योंकि ऑयली मेरे यहाँ कोई नहीं खाता, और मम्मी बोलती है कि ऑयली खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। तो सारे को मम्मी लाल करके फ्राई कर ली है। अब इसमें जीरा का फोड़न दी है, देखिए एकदम कम तेल यूज कर रही है, और ये लहसुन का पेस्ट डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेगी। फिर लहसुन का पेस्ट फ्राई हो गया तो अब इसको निकाल ले रही है। उसके बाद फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें प्याज का जो पेस्ट बनाई थी वो डाल देगी, नमक डाल देगी, और फिर हल्दी भी डाल रही है, और फिर इसको फ्राई करके पूरा लाल कर देगी। फ्राई करते करते देखिए, फ्राई करते करते लाल हो गया। तो अब इसमें तोड़ी और सरसों का पाउडर ऐड कर रही है, और सारा मसाला जितना धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, क्योंकि मेरे यहाँ कोई तीखा खाता नहीं है, तो वो भी ऐड कर देगी। फिर बाद में जो लहसुन का पेस्ट पहले फ्राई करके रखी थी उसको भी ऐड कर देगी। उसमें पानी भी डाल रही है, और फिर उसको जब बॉयल हो जाए, फ्राइड चक्का को डाल दी, और फिर उसमें थोड़ा सा खट्टा ऐड कर देगी, और बाद में हींग जीरा और घी का छौंका लगा देगी। तो मेरा सब्जी हो गया है तैयार। ये जो है, ये मेरे फुफेरे भैया आए थे, तो ये पापा खाना खा रहे हैं, फिर हम लोग भी खाना खा लेंगे। तो आप लोग भी चलिए हम लोग के साथ ही लंच कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। 5 hours later. अभी इवनिंग के 6 बज रहे हैं, और बाबू देखिए मम्मी का जितना सारा सुपारी थी धूप में सूखने दी थी सबको इधर उधर गिरा दिया है। सुपारी ये लड़का गिर दिया है, मम्मी तो आज इसको देगी पिटाई। कर पिटी पिटी करेगी नानी माँ।
कैसे पीटेगी? हाँ, गाल में चमट्टा लगाएगी। ये काम कीजिए, इसमें रखिए सारा सुपारी, रखिए इसमें, रखिए रखिए। हाँ गुड बाय, सारा रखिए, सारा रखिए, ये भी रखिए। बाबू को भी यहाँ खूब मन लगता है क्योंकि यहाँ बच्चा सब है तो उसके साथ खेलते रहता है। हिंदी वाला गाना आता है कोई? बोलो बोलो बोलो, नहीं आता है, गाओ ना। कुछ नहीं घुस रहा है। क्यों नहीं घुस रहा है? ये लड़का इधर से उधर लेफ्ट राइट कर रहा है। आइए इधर आइए अंश बाबू। हाँ नमस्ते, कर रहा है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन।